जॉब छोड़ दी मैं आई टूक रिस्क आई वॉज जस्ट गेटिंग सेवन थाउजेंड मंथ फॉर थर्टी वीडियोज छः महीने बाद मेरी हवा टाइट मैंने बोला मुझसे नहीं होगा अब दो साल से पैसे नहीं फिर जो आया जिंदगी का सबसे बड़ा शौक पढ़ाई हो गई सब हो गई घर वाले बोले शादी कर लो मेरे दिमाग में ये चीज़ सेट थी स्टार्टिंग से सो हेलो एवरीवन माय नेम इज सृष्टि दास मैं हूं जबलपुर मध्य प्रदेश से छोटा सा शहर ज्यादा शो शाइनिंग कुछ नहीं ये अपना मुंबई दिल्ली में आए पले बड़े सब किया थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ की चकाचौंध देख ली लेकिन अपनी रूट्स जो देश जो अपना जो होम टाउन होता है ना वहाँ की जो रूट्स है वहाँ का जो सेंस है वो मेरे लाइफ से कभी नहीं गया और ना कभी जाएगा और वो मेरे कंटेंट में आपको बहुत 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 देखने मिलेगा तो पहले मैं ये बोलूंगी कि आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्लान नहीं है ना इट्स ओके okay. आपको साइंस और सिग्नल्स मिलेंगे उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है तो थोड़ा अपने बारे में और बता दूँ मैं हूँ थोड़ी नौटंकी मैं हूँ थोड़ी मूडी थोड़ी थोड़ी कभी कभी चिड़ भी जाती हूँ लेकिन अपने इंट्यूशन इंस्टिंग्स और कॉन्शियंस को बहुत 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 बिलीव करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से वो मेरी लाइफ में बहुत वर्क किया है स्टार्टिंग में मैंने बोला कि मैं जोकर बनना चाहती हूँ

क्या बोल सकते हो शादी है उसमें शॉकर्स पे शॉकर्स आते हैं बट शादी मेरे लिए एक रोलर कोस्टर राइड जरूर था बट जो मेरा हस्बैंड हस्बैंड नहीं बोलूंगी मेरा बेस्ट फ्रेंड उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया तो वह हुई मेरी शादी शादी के साथ साथ मैं जॉब जरूर कर रही थी बट अंदर ही अंदर वो एक कीड़ा जरूर था कि यार सोशल मीडिया बूम पे आ रहा क्योंकि 2016 में हुई थी और 2014-15 में मैं देख रही थी इंडिया में कुछ कुछ बड़े बड़े यूट्यूब यूट्यूबर्स अपना यू नो अपना नाम जमा रहे थे तो मुझे लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए बट ना वो अंदर से आवाज जरूर आती थी बट एक डर था जो हम सब में होता है तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आज तुमको अंदर से लगता है ना कि तुम्हारा कुछ पैशन है प्लीज उसको इग्नोर मत करो उसको परस्यू करो क्योंकि मैंने बचपन से ही परस्यू किया है वापस जाऊँगी अपनी जर्नी पे तो बचपन से ही सबसे बड़े मेरे इंस्पिरेशन पता कौन रहे राजू श्रीवास्तव जॉनी लीवर जी राजपाल यादव जी क्योंकि तो इन सब की मिमिक्री मैं खड़े होकर अपनी क्लास के सामने करती थी और मेरी क्लास बड़े वाह वाहि लूटती थी अब मुझे क्या पता था कि लोगों का कैरेक्टर पकड़ के लोगों की एक्टिंग कर करके मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी लोगों को हंसाऊंगी और कुछ टाइम के बाद हंसाने के मुझे पैसे भी मिलेंगे बहुत मज़ा आ रहा है इस जर्नी में लेकिन इतना आसान नहीं है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में मैंने YouTube चैनल खोला अब खोल तो लिया करना क्या है ना शूटिंग आती थी ना एडिटिंग आती थी कुछ नहीं पता था मुझे मुझे लेती हूं, कर लेती हूं, इमिटेशन कर लेती हूं। और वही चीज को अपने अंदर की थोड़ा मैंने बाहर लेके आया अपने वीडियोस पे मैंने चालू किया छह महीने तक करती गई करती गई करती गई हंड्रेड व्यूज अरे हंड्रेड व्यूज आ गया सौ लोगों ने मेरा वीडियो देखा

उसके भी कभी हंड्रेड होंगे थ्री हंड्रेड होंगे फाइव हंड्रेड होंगे तब जाके तो ये चीज़ मुझे रियलाइज होने में बहुत टाइम लगा बट हो गया उसके बाद छः महीने बाद बड़े जोश में मैं आई थी ना कि मैं चैनल चालू किया है सब क्या लोगों को जा जाके प्लीज सब्सक्राइब करो शेयर करो ये करो छः महीने बाद मेरी हवा टाइट मैंने बोला मुझसे नहीं होगा मैं हुई फुस्सी बम क्योंकि मुझे लगा यार कर तो रही हूँ बट रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहे हैं

मैंने बोला छोड़ो अभी चार पैसे कमाते हैं पेड़ भी तो पालना है मैंने जॉब किया आठ महीने में जॉब करती रही लेकिन उस आठ महीने में बीच बीच में बीच बीच में कभी कोई मेरे फ्रेंड्स कभी मेरा खुद का हस्बैंड मेरी फैमिली लोग आके बोले कहाँ हो यार कहाँ है तुम्हारी वो वीडियोस हमें बहुत मज़ा आता था देख के कैसा भी था कुछ भी था इतना अच्छा बनाती हो तो दैट वॉज अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर मी

उसके बाद आठ महीने बाद मैंने सोचा कि नहीं जॉब छोड़ दी मैंने आई टुक अ रिस्क मैंने जॉब छोड़ी आई टोल्ड माई हजबेंड माई बेस्ट फ्रेंड विशाल लिसन इफ यू रियली बिलीव इन मी आई गिव मी टू ईयर्स आई वो टू वर्क वेरी वेरी हार्ड रीच टू अ पॉइंट वेर यू नो यू विल बी लाइक कि नहीं यार तू जो कर रही है इट इज़ ऑल वर्थ इट बिकॉज मुझे इतना पता था कि जब मैंने स्टार्ट की थी मुझे कुछ आ, कुछ आता नहीं था बट ड्यूरिंग दो सिक्स सेवन मंथ्स आई रियलाइज आई कुड डू एडिटिंग आई कुड शूट आई न्यू हाउ टू यूज इफेक्ट्स आई न्यू हाउ टू अपलोड वॉट व हैश टैग वॉट इज एल्गोरिदम ऑडियंस ने टेंशन क्या होता है सब पता था मुझे टेंशन बहुत थी बट मैं समझ चुकी थी अरे like, ये नॉलेज मुझे अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करना है और हमेशा सब मैंने अकेले किया सपोर्ट विशाल करा तो इसलिए आपकी लाइफ में अगर आपको कोई सपोर्ट करता है मोटिवेट करता है उनकी बात सुनिए बिकॉज दे बिलीव इन यू इफ़ यू हैव डाउट्स टॉक टू देम शेयर जो आपके डाउट्स हैं आपको लग रहा है ये मेरे साथ हुआ मैंने एकदम लगा के यूट्यूब पर धना धन वीडियोज़ बनाना चालू किया like, जितने व्यूज़ आएंगे क्या आएंगे आई वोंट लीव दिस आई कंटिन्यू डू कंटिन्यू डूइंग दिस बट मेरे दिमाग में ये चीज़ सेट थी स्टार्टिंग से कि मुझे भीड़ चाल में नहीं जलना है आई वॉन्ट टू मेक माई कॉन्टेंट वेरी यूनिक डिफरेंट वेर आई स्टैंड आउट तो मेरे कंटेंट में एक चीज़ मैंने हमेशा कोशिश की कि ह्यूमर के साथ साथ एक सोशल मैसेज हो लोग अगर हंसे तो जाग के भी जाए क्योंकि हंसाया हुआ इंसान जो होता है ना वो कुछ समय याद रखता है बट मोटिवेट किया जगाया हुआ इंसान आपको लाइफ लॉन्ग याद रखता है एंड एक्चुअली लिजिट मेरे यूट्यूब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो वैसे वीडियोज से वेर एम यू नो क्रिएटिंग कॉन्टेंट विथ सोशल मैसेज दे worked वंडर्स पीपल loved इट फाइन अब ये तो हो गया अब मैं आ गई वापस इंडिया इंडिया आई एवरीबडी नोज दो महीने बाद कोविड हो गया <laughs> क्या कर सकते कुछ नहीं कर सकते क्वान्टेंट ही बनाना पड़ेगा पैसे तो कमा नहीं सकते भाई चलो ठीक है फिर धीरे धीरे करके मैंने सोचा यूट्यूब तो है इंस्टा भी एक्सप्लोर करते हैं इंस्टा पे आई यूट्यूब के ही वीडियोज डालने लग गई जब इंस्टा पे आई एक दिन ऐसा हुआ आई वॉज सिटिंग और मुझे अचानक से

और मुझे अभी भी याद है वो कॉम्पिटिशन से मेरे लिए बहुत बड़ा टेक अवे ये था वेन कुशा कपिला गिविंग हर फीडबैक ऑन माई वीडियो शी सेड कि दिस वीडियो हैज़ ब्लोन माई माइंड बिकॉज आई कैन नॉट बिलीव कि ऐसा भी कॉन्टेंट क्रिएट होता है वेर यू इंड्यूस सोशल मैसेज विथ ह्यूमर आई वन दैट एंड देन देर वॉज नो लुकिंग बैक लाइक मुझे एक एक वो आ, वो होता ना एक्नोलेजमेंट चाहिए था अपने काम के लिए कि कहीं तो मैं जा रही हूँ और ऑब्वियसली अगर इतने बड़े क्रिएटर्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वो जैसा प्लेटफॉर्म आपको एक्नॉलेज कर रहा है विल आई स्टॉप उसके बाद रेड एफ एम बी बहुआ हुआ कॉन्टेस्ट में मेरी एक एंट्री सिलेक्ट की गई आई वॉज फीचर्ड ऑन दैट कॉन्टेस्ट वेयर आई वो भी डिफरेंट था वेयर में एक स्किन बनी थी एंड आई वो लाइक स्किन स्किन कुड टॉक तो एक नेचुरल एक कैसे आपकी स्किन क्या क्या यू नो एक्सप्रेस करती वो था वो भी मेरा काम फीचर हुआ फिर भाई ये तो चल रहा था फीचर हो रहा है फेम मिल रहा है ये मिल रहा अब दो साल से पैसे नहीं थे ज़्यादा जो कमाया था क्योंकि मैं बैंक बैलेंस था वो पूरा खर्चा हो गया अब पैसे तो है नहीं फेम से क्या करूँगी फेम से जाके फुल्की तो खा नहीं सकती यार फेम में तो आएंगे लोग कमेंट छोड़ के जाएंगे और बस टाटा बाय बाय सो आई वॉज लाइक यार अभी पैसा कैसे कमाएं फिर फिर वही हुआ मुझे अचानक से एक दिन फोन आया मित्रो टीवी ऐप एप वालों का एंड दे आर लाइक कि आपको थर्टी डेज मतलब हर दिन एक एक वीडियो बनाना है थर्टी डेज अ मंथ आई थिंक थ्री फोर मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक थ्री फोर मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो आपको बनाना है और हम आपको टॉपिक देंगे न्यूज सोचो न्यूज देंगे और उस पर आपको ह्यूमरस वीडियो बनाना है बोला यार ये तो हैं अभी इतने सारे अपने न्यूज़ चैनल हैं वो तो कर ही रहे हैं कॉमेडी अभी मुझसे भी वही करवाएंगे तो कैसे चलेगा बोला चलो ठीक है कितना पैसा दोगे आई एल टेल यू वेरी ऑनेस्टली आई वॉज जस्ट गेटिंग सेवन थाउजेंड अ मंथ फॉर थर्टी वीडियोज़ आई लाइक लीव दिस आई एम गोन्ट टू डू दिस मैं करने वाली हूँ मुझे मिल रहा है यार आई डोंट केयर आई परफॉर्म आई टुक पार्ट एंड I was declared as a top performer under news and opinion section on Mitro TV app. And actually वो app के लिए काम करके मैंने अपने अंदर के बहुत सारी चीज़ें भी explore करी Because as a content creator, आप अपने आप को ना every day explore करते हो क्योंकि monotony है ही नहीं ये काम में हर दिन कुछ अलग है हर दिन कुछ नया है और फिर ऐसा हुआ reels आया Instagram पे। जब reels आया तो मैं तो है ना यार ये कैसे होगा तीस सेकंड में लोगों को ये करना है मैं तो नौ नौ आठ आठ मिनट के यूट्यूब पे वीडियोस बनाती थी मित्रों का थोड़ा बहुत क्या बट मित्रों का तो कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट था वो न्यूज़ देते दे थे उस पर एक्ट करना पड़ता था मतलब अब ये कैसे होगा वो मुझे फिगर आउट करने में टाइम लगा बट देन मैंने सोचा ठीक है सिंस मैंने बचपन से कैरेक्टर्स नोटिस किए हैं है, लोगों को नोटिस किया है लेट मी डू सम कैरेक्टर बिल्डिंग द फर्स्ट कैरेक्टर विच आई नोटिस एंड आई प्लेड was Rakhi savant and I was the first Indian creator to imitate Rakhi Savant on my platform I was so scared I was so petrified reason being ki she herself is such a big entertainer and I not know how will I carry it but I did I was like hey, Rubina and I did all that and you know what if I, if you know Yashraj Mukhate, he shared that work एंड लाइक टैम ये क्या है मतलब तो इतने यशाद मुखाटी जिसने खुद राखी सावंत पे इतना बड़ा यू नो वो गाना बनाया था तू सांडी थी एज लाइक ये तो मेरा शेयर हो गया देन देर सो मैनी सीरियल एक्टर्स एंड यू नो ब्लूटिक्रिएटर्स ने के मैन एक्नॉलेज माई वॉक तब मेरी जर्नी छः सौ फॉलोअर्स है कब मेरे तीन हजार हुए पाँच हजार हुए देन आई डिड नॉट स्टॉप मैं क्रिएट करती गई करती गई करती गई एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट में जो आज जिस कैरेक्टर ने मुझे बहुत इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया दैट वाज बंटीज कैरेक्टर इजी है बट इट्स नॉट इजी है ऑल आई टू से मेहनत करो मेहनत से पीछे मत हटो क्योंकि अगर मैंने मेहनत नहीं की होती ना तो शायद मुझे नहीं मिल रहा होता शायद मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती सिग्नल साइंस सब चीजों में बिलीव करो इज गु टेक यू हाइट्स दैट्स वाई आज शायद आज मैं शायद प्रभली चूंकि मैं खड़ो के आप अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बट आई एम श्योर जो जो बनना चाहता है अपनी लाइफ में कुछ भी शायद आपका भी वो एक दिन आ जा खड़ो कि आप अपनी खुद की जर्नी शेयर कर रहे हो सो बिलीव इन द जर्नी डेस्टिनेशन तो तुम पहुंच ही जाओगे इंजॉय द जर्नी कीप वॉकिंग की बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड स्टैंड आउट स्टैंड आउट इज द की भेड़ चाल में मत चलो ठीक है भेड़ बनू कि तुम्हारी चाल पे चले लोग तुम तुम वो क्राउन आई होप मैंने अपनी छोटी सी जर्नी से आपको इतना बोर नहीं किया, बल्कि किया हो क्योंकि मैं भी इंस्पायर के बढ़ रही हूं और हम सबको एक दूसरे से इंस्पायर होके ही लाइफ में आगे बढ़ना है थैंक यू सो मच आई होप यू गल जोश टॉक्स इज नाउ स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट वर्जन ऑफ आर टॉक्स विल बी अवेलेबल ओनली ऑन स्पॉटिफाई If you like 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 this this, video and to like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे दोस्तों आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं और आपने कभी नोटिस किया जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है तो वो क्या है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल्स और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश किल्स ऐप के साथ यहाँ पे हमें डेली वोकैबलरी ग्रामर रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप स्किल्स के साथ